वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है ज़कात के बारे में। जी सोना कितना ग्राम रहा तो हम ज़कात देना है, या खालिस सोना ही रहना चाहिए, या उसके साथ कंकर की भी जेवर आती है, उस कंकर का निकाल के हम तोल के देना है क्या? मुझे समझ भी नहीं आया, उसका थोड़ा बता दीजिए। बहन का सवाल यह है कि जो सोने के जेवरात बने हुए होते हैं जिनमें की ज़कात वाजिब है, तो ज़कात उन जेवरात में बहुत सारे पत्थर वगैरह भी लगे होते हैं या बहुत सारी दूसरी चीज़ें सोने के अलावा धात लगे होते हैं, तो उन जेवरात की ज़कात कैसे निकालेंगे? बहन देखिए, उसका एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि सोने में ज़कात उस वक्त वाजिब है जब आपके पास पेवर सोना 85 ग्राम हो। जब आपके पास पेवर सोना, पेवर मतलब 24 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का सोना जब आपके पास 85 ग्राम हो तब आप साहिबे निसाब हैं। अगर उससे कम आपका पेवर सोना है तो आप साहिबे निसाब नहीं है, आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले तो ये पता करें सोनार से जा करके कि मेरे पास जो जेवर है आप इसके बारे में बताइए कि क्या इसमें 24 कैरेट का सोना 85 ग्राम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर उसने कहा कि हाँ ये 85 ग्राम या उससे ज्यादा इसमें 24 कैरेट का सोना निकलेगा, अब आप साहिबे निसाब हो गई। अब ये पहला मरहला आपने तय कर लिया, आपने ये जान लिया कि मैं साहिबे निसाब हूं, मेरे ऊपर ज़कात वाजिब है। अब दूसरा मरहला ये है कि अब आपको उसमें ज़कात निकालना है, अब आप क्या करेंगे? अब ज़कात निकालते वक्त आप जो उस जेवर के अंदर जो कंकर पत्थर या जो भी चीजें लगी हुई हैं उनको आप अलग नहीं करेंगे, बल्कि जो कुल उसकी मालियत है, कुल मालियत का 2.5% आपको निकालना है। आप उस सुनार से पूछिए कि ये जेवर अगर आज की तारीख में मैं बेचूं, ये पूरा जेवर मैं आज की तारीख में बेचूं तो इसकी क्या कीमत मुझे मिलेगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से? उसने कहा कि 1 लाख मिलेगा। 1 लाख मिलेगा मतलब आप अब उसमें आप 2.5% निकाल दीजिए 1 लाख में से, 2,500। जी सर। अब अगर चांदी का कैसा निकालना है, चांदी जेवर? चांदी का भी सेम तरीका है, बस चांदी का निसाब अलग है। चांदी का निसाब 595 ग्राम है। अगर 595 ग्राम से कम चांदी आपके पास है तो आप साहिबे निसाब नहीं है, आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर 595 ग्राम या उससे ज्यादा है तो जितना भी है उसमें से 2.5% आपको निकालना है।